हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार राजपूत और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस में। दोस्तों, हम नीट और जेईई जैसे एग्जाम्स जो है उसके लिए अलग अलग चैप्टर्स पे क्वेश्चंस ले रहे हैं। हमने पिछले वीडियोस ग्रेविटेशन और वेक्टर्स के लिए बनाए थे और भी हम उन चैप्टर्स पे बनाएंगे, लेकिन आज हम लेंगे चैप्टर बहुत सिंपल सा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस इसी चैनल में मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, और ऑप्शन दिए है पास्कल, दूसरा है डाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा है सेंटीमीटर ऑफ एचजी मतलब मर्क्यूरी, और डी है एटमॉस्फेयर। अगर ऑप्शंस देखोगे तो सारे यूनिट जो है वो प्रेशर के ही है, लेकिन क्वेश्चन हमें ठीक से पढ़ना होगा। उसमें जो पहला ऑप्शन है वो पास्कल, जो पास्कल यूनिट है वही है एसआई सिस्टम का प्रेशर का यूनिट, क्योंकि एसआई सिस्टम में यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इधर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो दिया नहीं है, डाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीबीएस का होता है और सेंटीमीटर ऑफ एचजी केमिस्ट्री में यूज होते हैं, वो एसआई सिस्टम का नहीं है। और एटमॉस्फेयर खाली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गिनने के लिए यूज होता है, तो वो एसआई सिस्टम का यूनिट है। तो पास्कल जो है हमारा वो इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। आगे है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जूल पर सेकंड इज यूनिट ऑफ, ऑप्शन दिया है वर्क, दूसरा ऑप्शन दिया है मोमेंटम, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रेशर और फोर्थ ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम। इसको सॉल्व करना होगा। यूनिट जो दिया है हमें वो दिया है जूल सेकंड, जूल सेकंड। तो पहला ऑप्शन है वर्क, वर्क को होगा ही नहीं क्योंकि वर्क का यूनिट जूल में ही कवर हो जाता है, तो वर्क ऑप्शन हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। दूसरा है मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, वो है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास का हो गया केजी और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जूल सेकंड में हम मोमेंटम को लिख नहीं सकते, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका मोमेंटम भी ड्रॉप हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, जूल पर सेकंड को अच्छे से लिख लेते हैं। जूल मतलब वर्क का क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और सेकंड, सेकंड मतलब क्या, इंटू टाइम हो जाता है। ठीक है, यूनिट को हम क्वांटिटी में लिख लेते हैं तभी हमें समझ में आ जाएगा। तो देखो मोमेंटम के लिए क्या होगा, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी होता है, और वो कैसे होता है, फोर्स इनटू टाइम। अभी फोर्स इनटू टाइम कैसे आएगा, देखो फोर्स हम लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, और इनटू टाइम में लिख देता हूं आगे, मास इनटू एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू टाइम। तो एम वी अगर आ गया तो इसको हम मोमेंटम को वर्क के हिसाब से जूल में नहीं लिख सकेंगे। ठीक है, तो हमें मोमेंटम भी ड्रॉप करना पड़ेगा। तीसरा जो है प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो गया न्यूटन और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को भी हम जूल पर, सॉरी जूल सेकंड में नहीं लिख सकते। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो एंगुलर मोमेंटम। अभी एंगुलर मोमेंटम कैसे है, तो ठीक से देखना इसको जो है हम और एक्सपांड करते हैं, देखिए क्या होगा। इसको चेक करना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, वर्क होता है और इनटू टाइम आगे लगा हुआ है। तो मैं इसको ठीक से कैसे लिखता हूं, फोर्स मतलब हो गया हमारा न्यूटन, उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट जो हो गया मीटर, और टाइम जो हो गया सेकंड। ठीक है, तो देखो न्यूटन इंटू मीटर ये तो वर्क है, आगे सेकंड भी जुड़ा है, वो तो सेकंड इसके लिए। तो एंगुलर मोमेंटम को हमें चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, तो यहां पे ठीक से हमें ध्यान देना होगा, एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन हमें याद होना चाहिए, या सिर्फ फॉर्मूला अगर मालूम होगा तो भी बहुत है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी इंटू आर। ठीक है, तो देखो मैं v को कैसे लिखता हूं, m v को मैं लिखता हूं a इंटू टी, ओके, और r मतलब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमें जूल सेकंड में उसको लिखना है, तो कैसे लिख पाएंगे, एक फोर्स हो गया
मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो गया, और वर्क का यूनिट है हमारे पास जूल, और ये जो टाइम है इसका यूनिट है सेकंड। तो जूल पर सॉरी जूल इनटू सेकंड वो किसका यूनिट हो जाएगा फिर, एंगुलर मोमेंटम का। तो इसके लिए हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना होगा, डी ऑप्शन टिक करना होगा। क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे, ऑप्शन जज करेंगे हम वन बाय वन, और जो करेक्ट आंसर होगा उसको हम टिक करेंगे। तो चलिए मैं मुझे लगता है कि आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो अलग अलग एग्जाम में 5 बार पूछा गया है, और जो सेकंड क्वेश्चन अभी हमने लिया वो अलग अलग एग्जाम्स में 4 बार पूछा गया है। तो अभी लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो अलग अलग एग्जाम में 9 बार पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पढ़ के ही हो जाएगा। क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। ऑप्शन दिए है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा दिया है न्यूटन पर मीटर, तीसरा दिया है डाइन पर सेंटीमीटर, और फोर्थ दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो डाइन पर सेंटीमीटर जो है ना, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पहला ऑप्शन वो प्रेशर का है, तो वो सरफेस टेंशन के लिए नहीं आएगा। सेकंड जो है वो हम चेक करेंगे। देखो इसके लिए हमें एक ही चीज मालूम होना चाहिए, और है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला या डेफिनेशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला या डेफिनेशन ही है द फोर्स पर यूनिट लेंथ। बस अगर फॉर्मूला मालूम है तो हो गया सब कुछ। फोर्स का यूनिट न्यूटन और लेंथ का यूनिट मीटर। तो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। आगे के ऑप्शन हमें देखने का जरूरत है ही नहीं। डाइन पर सेंटीमीटर भी एक यूनिट दिया है, वो भी सरफेस टेंशन का ही यूनिट है, लेकिन हमें सिस्टम कौन सा पूछा है, हमें सिस्टम पूछा है एसआई। एसआई में ज्यादातर एमकेएसी देते हैं, और ये जो डाइन पर सेंटीमीटर है ना वो सीडीएस यूनिट है, वो एसआई में नहीं गिना जाता। ठीक है फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, अभी आपकी स्क्रीन पर है। एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। तो इसका डायरेक्ट आंसर है, इसके लिए कुछ सोचने का जरूरत है नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल के एक चैप्टर है 12th में, उसमें सीधा सीधा दिया है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस कोई भी हो उसका जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है। वो क्या होता है, हेनरी। तो इसमें ऑप्शन दिया था, पहला था फैरेड जो कैपेसिटर का यूनिट है वो नहीं चलेगा, दूसरा जो दिया है हेनरी वो बराबर इंडक्टेंस का ही यूनिट है तो वो टिक करेंगे। थर्ड ऑप्शन है वेबर, और वेबर जो होता है ना वो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है एसआई सिस्टम में, वो भी नहीं चलेगा। वो जो टेस्ला है वो टेस्ला होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन उसका यूनिट होता है टेस्ला, तो वो भी नहीं चलेगा। तो इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है इंडक्टेंस वाला वो 10 बार पूछा गया है, तो इसको भी लेना बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब कौन सी सिस्टम में है वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो वेबर है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, लेकिन कौन सी सिस्टम में। तो ये जो वेबर यूनिट है ना वो एसआई सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है। फिर से रिपीट करता हूं, जो वेबर यूनिट है वो किसका है, मैग्नेटिक फ्लक्स का ही है, लेकिन वो कौन सी सिस्टम में होता है, एसआई सिस्टम में होता है। तो ऑप्शन दिया था हमें सीजीएस नहीं चलेगा, एमकेएस नहीं चलेगा। देखो हमेशा ध्यान में रखना सीजीएस और एमकेएस सिस्टम हम फॉलो नहीं करते तो क्या फॉलो करते हैं हम एसआई सिस्टम। सबका जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि उसका नाम है एसआई सिस्टम, और वेबर जो यूनिट है वो एसआई सिस्टम में ही उसका यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, कुछ इसमें ज्यादा करने का जरूरत है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन भी जो है अलग अलग एग्जाम में 8 बार पूछा गया है। ठीक है तो अगला क्वेश्चन देते हैं, 6th क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है विच पेयर हैज सेम डायमेंशंस, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। विच पेयर हैज सेम डायमेंशन मतलब दो दो क्वांटिटीज दिए है हमें, कौन सी दो क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम है वो चेक करना है। पहला है वर्क एंड पावर, पहला ऑप्शन दिया है वर्क एंड पावर। तो चलिए हम वर्क का और पावर का रिलेशन चेक करते हैं, और उससे हमको समझ में आ जाएगा कि उनका डायमेंशन सेम है कि नहीं है। तो देखो दो क्वांटिटीज है वर्क एंड पावर, तो पावर जो होता है उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, वो होता है वर्क अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूले से ही समझ में आ जाना चाहिए कि पावर का और वर्क का डायमेंशन सेम नहीं होगा,
क्योंकि वर्क का डायमेंशन हम ऊपर लिखेंगे, अपॉन किसका डायमेंशन लिखेंगे, टाइम का, तो नीचे वाला टाइम वर्क के डायमेंशन में कुछ ना कुछ चेंज जरूर करेगा। तो इसके लिए वर्क का डायमेंशन और पावर का डायमेंशन सेम नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन ड्रॉप करना पड़ेगा। दूसरा है डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। देखो नाम तो सेम सेम है इसमें, हम ज्यादातर हमारा क्या होगा इंटेंशन कि इसी को टिक करने का। लेकिन डेंसिटी जो होता है वो सिर्फ मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और जो रिलेटिव डेंसिटी है ना वो चेंज होती रहती है, कभी मास पर यूनिट लेंथ आएगा, कभी मास पर यूनिट एरिया आएगा। तो हम रिलेटिव डेंसिटी का और सिर्फ डेंसिटी का यूनिट इक्वल नहीं बोल सकते, दोनों टर्म्स हमें लगता है सेम ही है लेकिन उनके डायमेंशन सेम नहीं हो सकते। थर्ड वाला है मोमेंटम एंड इम्पल्स, ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, इसका डायमेंशन मैं लिख लेता हूं, मास मतलब m1 और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मतलब मीटर के लिए हम l1 लिखेंगे, पर सेकंड मतलब t फॉर टाइम रेस टू माइनस वन। इसको चलो लिख देता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट। अभी दिया है इम्पल्स, अभी क्या है उसके साथ में दिया हुआ क्वांटिटी इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है उसका डेफिनेशन हमें जो चैप्टर है हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 11th का, उसने दिया हुआ है इम्पल्स का मीनिंग। जो इम्पल्स होता है उसका फॉर्मूला है फोर्स इंटू टाइम। तो चलिए इम्पल्स का डायमेंशन निकालते हैं, उसके लिए फोर्स का डायमेंशन मालूम होना चाहिए, फोर्स का डायमेंशन मालूम होना ही चाहिए। फोर्स का जो डायमेंशन है वो है एल वन एम वन टी माइनस टू इंटू टाइम का टी। तो देखिए क्या हो जाएगा, टाइम टाइम का बेस सेम है और टी है मतलब टी रेस टू वन है, इनके जो एंडाइसेस है उन एंडाइसेस की सम हो जाएगी। तो देखो एल वन एम वन टी माइनस वन हो जाएगा, कैसे, ए वन माइनस टू में एड हो जाएगा माइनस वन, इसको बोलता हूँ इक्वेशन सेकंड। तो अभी चेक करो मोमेंटम का डायमेंशन एल वन एम वन टी माइनस वन, इम्पल्स का एल वन एम वन टी माइनस वन, तो दोनों क्वांटिटीज का डायमेंशन कैसे आया, सेम आया। तो हमें ऑप्शन कौन सा टिक करना होगा, हमें ऑप्शन सी चेक सी टिक करना होगा। डी ऑप्शन जो दिया है वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, तो यहाँ पे एक बात समझ में आ जाना चाहिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में दिया हुआ है जो स्ट्रेस है वो रहता है फोर्स अपॉन एरिया, इसका डायमेंशन निकालने का जरूरत है नहीं क्योंकि इसके साथ में जो क्वांटिटी दी है स्ट्रेन, स्ट्रेन ऐसी क्वांटिटी है जो है डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम आने का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना होगा, हमें मोमेंटम और इम्पल्स ये वाला ऑप्शन टिक करना होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो क्वेश्चन है अभी ये क्वेश्चन 6 times पूछा गया है, 6 बार, तो है ना क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सिंपल है, लेकिन हम क्या करते हैं सिंपल चैप्टर को बहुत ही सिंपल मान के छोड़ देते हैं, ऐसा प्लीज मान लीजिएगा। मैं वीडियोस में जो जो क्वेश्चन लूंगा ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में मैं बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को अगर आप करेंगे ना तो भी आपको अलग से पढ़ने का इस चैप्टर के लिए जरूरत है, उसी हिसाब से मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम लेंगे अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है द डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब डायमेंशन ऑफ लैटेंट हीट। लैटेंट हीट के डायमेंशन हमें खोज करना है, नीचे जो दिए है हमें अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग डायमेंशन लिखे हैं, तो ऑप्शन पढ़ने का जरूरत है नहीं, अभी हम क्या करेंगे डायरेक्ट डायमेंशन निकालेंगे। तो क्वांटिटी जो है फिजिकल क्वांटिटी उसका नाम है लैटेंट हीट। अभी लैटेंट हीट नाम सोच के लोगों को समझ में आ जाता है कि ये तो हीट ही तो है, क्या है हीट, और हीट क्या होता है एनर्जी होता है, और एनर्जी मतलब क्या वर्क, और वर्क का डायमेंशन क्या होता है, वर्क का डायमेंशन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो फॉर्मूला लिखता हूं, पहले फोर्स का डायमेंशन मालूम होना चाहिए एल वन एम वन टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एल वन, ठीक है। तो ऑप्शन ये दोनों साथ लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा एल वन एम वन टी माइनस टू, और हम क्या करेंगे अगर हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है तो एल टू एम वन टी माइनस टू ये ऑप्शन भी दिया ही होगा, उसको देख के क्या कर देंगे टिक, लेकिन ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि लैटेंट हीट का मीनिंग क्या होता है, लैटेंट हीट का डेफिनेशन क्या होता है। तो लैटेंट हीट का डेफिनेशन अगर समझ में आया नहीं है तो आप 100% इसी पे टिक करोगे कि जो है
वो गलत है, ठीक है। तो लैटेंट हीट जो थर्मल प्रॉपर्टीज नाम का चैप्टर है उसमें ठीक से पढ़ना। लैटेंट हीट होता है L इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम। क्यू अपॉन एम का मतलब क्या है, लैटेंट हीट की डेफिनेशन क्या होती है? लैटेंट हीट की डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड किसके लिए, फॉर द यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस। वो भी किसके लिए, जो यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस है उसका स्टेट चेंज करने के लिए जो हमें हीट लगता है। तो हीट नहीं लेना है हमें, हीट पर यूनिट मास, हीट पर यूनिट मास, यही होता है लैटेंट हीट का फॉर्मूला। हाँ, तो अभी आप हीट के लिए एनर्जी का डायमेंशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यू का जो डायमेंशन है हीट का, वो एनर्जी का डायमेंशन है। एनर्जी का डायमेंशन मतलब वर्क का, जो ये आया है ये लिख देंगे हम एल टू एम वन टी माइनस टू। और नीचे होता है मास, नीचे क्या है मास, तो क्या हो जाएगा एल टू एम जीरो टी माइनस टू। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन गलत है, कि जो बहुत बार हम गलतियां कर सकते हैं अगर हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है तो। अगर पढ़ाई अच्छी हुई है तो ये इसको ठीक करेंगे हम, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन देखेंगे और ये वाले ऑप्शन को ठीक करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही सिंपल। अगला क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन लेने वाला हूं वो अलग अलग एग्जाम्स में 30 times 30 बार पूछा गया है। बहुत ही मतलब फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं नीट और जेईई के लिए, आगे जो क्वेश्चन लूंगा वो। लेकिन बता, ये भी बता दूं मैं आपको कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल है। चलो अभी हम उसको लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है द डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। कौन सा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट पूछा है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का डायमेंशन हमें ढूंढना है। बहुत लोगों को डायमेंशन डायरेक्टली इसके मालूम भी होंगे, लेकिन क्या है रट्टा जो प्रोसेस है उस रट्टा प्रोसेस में आप डायमेंशन ठीक से पढ़ नहीं पाते हो, या फिर जो डायमेंशन है वो रट्टा वाला टॉपिक है नहीं। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का डायमेंशन निकालेंगे। और ग्रेविटेशन चैप्टर पे ये क्वेश्चन हमें मालूम है, उसके बाद में न्यूटन का जो लॉ है उस लॉ में हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का इंट्रोडक्शन हुआ था। तो लॉ लिखता हूं पहले, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ है। और क्या करते थे, इक्वल टू साइन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, एक इक्वल टू लिखते हैं और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखते हैं अपन, जो कि इस केस में क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और मास और आगे का तो मैं लिख लेता हूं। हमें पूछा किसका है डायमेंशन, हमें डायमेंशन पूछा है इसका। तो इस वाली क्वांटिटी को एक साइड लिखेंगे जी, और बची जो क्वांटिटी है उसको इधर उधर भेज देंगे। जो g के साथ मल्टीप्लाई को है वो इधर आने के बाद डिवाइड को हो जाएगी, मतलब डिवाइड को कौन चला जाएगा m1 m2। और g के साथ में डिवाइड को जो क्वांटिटी है वो उधर जाके मल्टीप्लाई को हो जाएगी, मतलब फोर्स के साथ में मल्टीप्लाई। तो चलिए डायमेंशन इसका निकालना हो ऐसे, तो हमें इसका डायमेंशन लिखना होगा और नीचे इसका। पहली क्वांटिटी है फोर्स, ये हर इसमें आएगा। फोर्स का डायमेंशन हमें मालूम ही होना चाहिए, जो कि है एल वन एम वन टी माइनस टू आर स्क्वायर। आर होता है डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, डिस्टेंस मतलब लेंथ हो गया, और लेंथ के ऊपर टू है तो लेंथ के ऊपर क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। इधर एम वन भी मास है, एम टू भी मास है, तो मास इंटू मास, मास का स्क्वायर। तो नीचे लिखते हो क्या लिखेंगे डायमेंशन में, एम टू। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ठीक से सॉल्व करेंगे। L1 दूसरा किधर है, हाँ है L के ऊपर 1, L के ऊपर 2, दोनों का बेस सेम, इंडेक्स की सम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा L3। लेंथ का काम हो गया, ऊपर मीटर के ऊपर 1 है, सॉरी मास के ऊपर 1 है और मास के ऊपर 2 है। ये जो ऊपर जाएगा तो ये जो 2 है ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस 2, तो 1 में से ये माइनस 2 करना पड़ेगा, तो M में खाली क्या बचेगा माइनस वन बचेगा। और टी के साथ कैंसिल करने को या ऐड करने को कोई है नहीं, तो ए आएगा। तो डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट क्या है, एल वन एम माइनस वन
टी माइनस टू, ये वाला ऑप्शन हमें देखना है और उसको क्या करना है, टिक करना है। चार मार्क्स मिल गए आपको, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस पे, लेकिन ज्यादा सिंपल भी नहीं आते, हमेशा कंफ्यूजिंग के लिए होते थे। जैसे कि लैटिन हिट वाला क्वेश्चन था, वो कंफ्यूजन था थोड़ा सा, तो उसको हमें ठीक से सॉल्व करना होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ पावर, पावर के डायमेंशन पूछे है। ये जो क्वेश्चन है सिक्स टाइम्स, छह बार आ चुका है, तो डायमेंशन के ऑप्शन भी दिए हैं नीचे, लेकिन ऑप्शन डायरेक्टली देखने से अच्छा है पहले हम पावर के डायमेंशन लिख लेते हैं। डायमेंशन लिख के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है, फॉर्मूला। तो पावर का फॉर्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर के डायमेंशन मतलब वर्क के डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम के डायमेंशन। वर्क के डायमेंशन मालूम नहीं है तो डरने का नहीं, जिसका डायमेंशन मालूम होना चाहिए वो तो मालूम होना ही चाहिए। वर्क को हम कैसे लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और नीचे लिखेंगे टाइम। फोर्स का तो मालूम होना ही चाहिए, वो होता है एल वन एम वन टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ होती है, टाइम होता है टी। लेंथ लेंथ है वन वन है, दोनों ऐड हो जाएंगे एल टू। मास के साथ कैंसल ऐड करने के लिए कोई है नहीं, तो मास का वैसे के वैसा। अभी देखना टी नीचे वन है, अगर इस टी को ऊपर भेजेंगे हम तो ये वन की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस वन, और माइनस टू के साथ ये माइनस वन ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा, तो टी माइनस थ्री। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो जो है किसका डायमेंशन है, पावर का डायमेंशन है। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला को स्प्लिट करते आना चाहिए, स्प्लिट करने के बाद आप डायमेंशन लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो चलिए हम करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए डायमेंशन निकालने हैं, तो चलो वही वापस एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी इंटू आर। आर को एक स्पेशल नाम है जिसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। क्या बोलते हैं उसको, मोमेंट आर्म, जो कि मीटर में गिना जाता है। रोटेशनल मोशन चैप्टर में आपको आएगा है ट्वेल्थ में। इसको ठीक से लिखता हूं वापस कैसे, एम वी आर। एल स्टैंड फॉर एंगुलर मोमेंटम का नोटेशन या सिंबल। तो चलो लिखते हैं एम का डायमेंशन लिखा एम, वी फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायमेंशन। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, मीटर का मतलब लेंथ और पर सेकंड, पर का मतलब है नीचे आएगा, सेकंड नीचे आएगा मतलब टाइम नीचे आ रहा है, उसको अगर ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा t माइनस, या फिर वेलोसिटी के डायमेंशन याद रखो बहुत सिंपल है। और r होता है मोमेंट आर, मोमेंट आर्म को गिना जाता है मीटर में, मीटर में मतलब लेंथ में, लेंथ। तो देखो लेंथ है, लेंथ है कुछ नहीं मतलब इसके ऊपर वन है तो क्या हो जाएगा एल टू। मास के ऊपर कुछ नहीं मतलब वन है वन, और t का माइनस वन, बस हो गया। ये है एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन। ये वाला जो क्वेश्चन है वो 16 टाइम्स पूछा गया है, 16 बार। तो ये जो है क्वालिटी क्वेश्चन है, इसको भी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों आज हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं, आज हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं। इस चैप्टर पे हम 30 या 40 क्वेश्चंस करेंगे। वो जो क्वेश्चन है सभी क्वालिटी क्वेश्चन होंगे, उस 40 क्वेश्चन के बाहर आपको मेरे ख्याल से एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं, उसके बाहर का एक भी नहीं आएगा। इस 40 क्वेश्चन में से हमेशा एक या दो या तीन क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, उतना मुझ पर भरोसा रखो। और बाद में हम करेंगे, इसके बाद में जो वीडियो करेंगे उसमें अगले 10 करेंगे, उसके बाद में और अगले 10 करेंगे, और कुछ क्वालिटी क्वेश्चन मेरे को लगे तो वो भी हम ले लेंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।